लोग अटैक करने आए और आसिम हमेशा बच गया, तो ये हमारा गिव एंड टेक था आपस में। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के बीच प्यार अभी भी बरकरार है और ये खुद हिमांशी खुराना अपने एक इंटरव्यू में बताती नजर आ रही हैं। वेल दोस्तों, यहाँ हिमांशी खुराना ये बोलती नजर आई अपने इंटरव्यू में कि आसिम रियाज के साथ उनकी बॉन्डिंग सबसे अलग थी और सबसे अच्छी थी। बिग बॉस के घर की चर्चाएं जब उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि आसिम मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे प्रोटेक्ट करते वक्त उन्हें चोट भी लग जाती थी, लेकिन जहां लोगों को ये लगता था कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां सिर्फ मुझे ये पता था कि आसिम सिर्फ मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहा है और यहाँ उसका कोई दिखावा नहीं है। तो वहीं हिमांशी खुराना से आगे जब ये पूछा जाता है कि आप उस वक्त कैसा फील करती थी, तो हिमांशी ने कहा कि मैं इसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती कि जब हमें कोई प्रोटेक्ट करता है, हमारा ध्यान रखता है, तो आखिर कैसा फील होता है। तो हिमांशी खुराना आसिम और अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी कुछ बताती नजर आई और यहाँ उनसे आगे जब ये पूछा जाता है कि आप अपने रिलेशनशिप को आखिर क्या नाम देना चाहेंगी, तो हिमांशी ने कहा कि एक बहुत अच्छी दोस्ती, एक प्योर दोस्ती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि ये हिमांशी का इंटरव्यू पहले का है, पुराना है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इसके वायरल होने की वजह ये रही कि हिमांशी खुराना ने हाल फिलहाल में ही आसिम और अपने ब्रेकअप की खबरों को कन्फर्म कर दिया है। हालांकि आसिम रियाज का इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और फैंस को इंतजार है कि आसिम रियाज इस पे कुछ बोले और इन खबरों को झूठा साबित कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या कहनी है ये हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।